ने सारे रिजल्ट निकला है, खुश तो हुए लेकिन आंखें से आंसू गिरे। ऐसे हाई स्कूल में ऐसे हूँ। और अगर बच्चे के अंदर ये भावना नहीं होती कि हमको कुछ आगे दिखाना है तो माता पिता कुछ नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। बाराबंकी के लाल योगेश प्रताप सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 95% मार्क्स हासिल करके ना सिर्फ अपने ज़िले का बल्कि अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। वैसे दूसरे स्थान पर प्रयागराज की अंशिका भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी के योगेश प्रताप मौजूद हैं। योगेश पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, 10वीं की परीक्षा में भी उन्होंने यूपी में तीसरा स्थान हासिल किया था। और जब हम इनके पास पहुँचे तो हमने पास में ही देखा कि इनके नाम का एक बोर्ड भी इनके घर के सामने लगा हुआ है। आइए योगेश से बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से, कितनी मेहनत करके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले योगेश। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कैसे कर लिया ये अचीवमेंट, किस तरह से आपने अचीव की? मैम पहली चीज़ ये मैम, ये मेरे लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 10th में मेरी ऑलरेडी 3rd रैंक आ चुकी थी, तो इस कारण से थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। और एग्ज़ाम्स जो मेरे एग्ज़ाम थे वो काफ़ी अच्छे गए थे। अच्छा। तो हाँ, मतलब पहले से ही आपको एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ तो होना ही है, कोई ना कोई रैंक तो लेकर आना ही है। यस मैम, 95% का अनुमान था। अगर जानना चाहूँ कि जब आपका रिजल्ट आया तो कितनी खुशी हुई थी इसे देख कर? मैम खुशी बहुत हुई, लेकिन मैम फर्स्ट टाइम जो खुशी होती है वो सेकंड टाइम उतनी नहीं होती है, तो खुशी हुई थी मैम, काफ़ी खुशी हुई थी। अच्छा, अगर जानना चाहूँ ये गोएश आने वाले दिनों में क्या करना चाहेंगे, आगे किस तरह की पढ़ाई को आगे देखना चाहेंगे? मैम आगे BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स करना है मेरे को, और उसके बाद UPSC CSC का एग्ज़ाम देना है मेरे को। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने टॉप किया पर आगे जो आने वाले छात्र हैं, अभी 10th का एग्ज़ाम देंगे, 12th का एग्ज़ाम देंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैम पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए व्हाई, आप क्यों करना चाह रहे हैं टॉप, टॉप करने पर आपको क्या मिलेगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको टॉप करने के लिए लुभा रही कि हाँ आपको टॉप करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आप क्यों टॉप करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई एक गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई एक ऐसा जो आपका सबसे करीबी हो, भाई बहन माता पिता, फिर वो आपको गाइड करे अच्छे से। और तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, जो एक बहुत बहुत बड़ा संघर्ष होता है लोगों के लिए कि टाइम मैनेजमेंट कर पाना एक बहुत कठिन बात हो पाती है। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जब हमने आपके परिवार वालों से बातचीत की तो हमने सुना कटान की बड़ी समस्या थी कुछ दिन पहले, तो क्या प्रॉब्लम थी उस समय, किस तरह से आप पढ़ाई को मैनेज करते थे उस समय? पहले कहाँ गांव था? मैम मेरा गांव पहले मैम हम लोग मूल निवासी हैं घाघरा नदी के निकट, हमारे लोग का जो गांव था, और सन 2000 में यहां पे हम आ गए, और मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, मेरा जन्म वहां नहीं हुआ था, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। तो वहाँ पर दिक्कतें होती थी जैसे कि शिक्षा को लेकर, कि वहाँ पर स्कूल्स नहीं थे, स्कूल्स वहाँ जो मेरे भाई बहन थे उनको पढ़ाई करने के लिए नदी पार करके आना पड़ता था, तो एक संघर्ष भरा जीवन था, संघर्ष बड़ी पढ़ाई थी, तो उनके संघर्ष को देखकर मुझे हमेशा एक इंस्पिरेशन मिलती रहती थी। अच्छा, अच्छा परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में? मैम पहली चीज़ तो मैम मेरे मम्मी पापा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को देखकर एक जो इंस्पिरेशन मिलती वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और दूसरी चीज़ मेरे भाई बहन भैया और मेरी जो दीदी हैं वो लोग हमेशा मेरे से फ़ोन पे बात किया करते थे, कोई भी चीज़ हो, मेरी जो खुशी थी जो रिज़ल्ट आया उसे सेलिब्रेट किया, उसके बाद मेरे को समझाया कि हाँ नहीं अभी और बाकी है, तो वो चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जिस तरह आज आपने 12वीं की परीक्षा में इतनी मेहनत से इतना बड़ी चीज़ अचीव की है, ऐसे ही आगे मैं आपका IAS बनने के बाद रिजल्ट आपका इंटरव्यू लेने के लिए आऊँगी, यही शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू मैम। आज फादर्स डे है, फादर्स डे का सबसे बेहतरीन तोहफा आपके बेटे ने आपको दिया, कितनी खुशी हो रही सबसे पहले जानना चाहूँगी? बहुत हो रही है, खुशी बहुत हो रही मेरे को। आज मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने में आपका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है शायद, तो आपने किस तरह से मेहनत करके बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया, क्या कुछ किया आपने? मेहनत तो किया, जिस तरह से बच्चे कर चाहिए उस तरह से मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है। और अगर बच्चे के अंदर ये भावना नहीं होती कि हमको कुछ आगे दिखाना है तो माता पिता कुछ नहीं कर पाते, तो जो कुछ मेरे से हुआ
वो बच्चे के साथ किए हो करेंगे, लेकिन बच्चे का दिल जो है वो मतलब कि हमको कुछ करके अपने माता पिता को दिखाना है। इतनी मेहनत मजदूरी के बाद आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आज आपको आपके बेटे के नाम से जाना जा रहा है, प्रधानमंत्री के साथ आपके बेटे की फ़ोटो लगाई गई है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? कहाँ, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने, हम तो सब बार बार ऊपर वाले सोच रहे हैं कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे को इस तरह बनाया जो कि बच्चे के वजह से मेरा नाम रोशन हुआ। बस जो सारे रिजल्ट निकला है खुश तो हुए, लेकिन आँखें से आंसू गिर रहे हैं। ऐसे हाई स्कूल में ऐसे हूँ, ऐसे ही होनहार छात्रों के सपनों को उड़ान देने के लिए धेय आईएएस पेश करते हैं आईएएस ओलंपियाड, जहां 12वीं या 12वीं पास स्टूडेंट अपने अधिकारी बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर या वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट करें।